तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूँ प्रोमीत, और आज जो गाड़ी हम चला रहे हैं वो है मर्सिडीज़ बेंज की E220D। अब ये गाड़ी 2 साल पहले मर्सिडीज़ ने लॉन्च किया था, तो अब हम लोग इसको क्यों चला रहे हैं, बहुत ही सिंपल आंसर है उसका। ये है कि मर्सिडीज़ बेंज ने अब इस गाड़ी को अपडेट किया है, और ख़ासकर इसका इंजन जो कि अब BS6 कंप्लायंट है। तो बने रहिए ये वीडियो में, और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो BS4 वेरिएंट था इसका और जो BS6 है, उसमें विजुअली कोई चेंज नहीं आया है। तो गाड़ी एग्जैक्टली वैसी की वैसी ही है। इसको यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, इसको एक बड़ा सा हेडलैम्प क्लस्टर मिलता है जो कि फुल LED क्लस्टर है। इसको एक पेयर ऑफ DRL जो कि ऐसे ये स्लाइटली एस शेप में रन होता है, इसको दोनों साइड मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो। रात को वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और ये बॉनेट लाइन जो रन कर रहा है पूरा यहाँ तक, ये गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर बनाता है। प्लस आप यहाँ पर सामने देखें तो आपको ये ग्रिल मिलता है बड़ा सा, इसमें एक बड़ा सा मर्सिडीज बेंज का लोगो है, काफ़ी क्रोम प्रेजेंट है। यहाँ पे एक बैज मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर्स। अनफॉर्चुनेटली आपको एक फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है इसमें, बट ओवरऑल गाइस गाड़ी सामने से बहुत ही अच्छी लगती है। जब आपको ये अप्रोच कर रही होती है गाड़ी तो काफ़ी अच्छी फील आती है, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी बड़ी गाड़ी है कि नहीं। तो जब आप गाड़ी को साइड से देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है और होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग व्हील बेस है। गाड़ी की लंबाई कुछ 5 मीटर की है, तो उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी लंबी हुई। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ फिर से। यहाँ पे आपको बहुत सारा क्रोम मिलता है जो आप देख सकते हैं, ए पिलर से सी पिलर तक आपको क्रोम, डोर हैंडल्स पे क्रोम, वहाँ पे नीचे क्रोम, तो क्रोम की काफ़ी मौजूदगी है इसमें। इसको बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, अदरवाइज यहाँ पर कैमरा होता, उसके जगह पे पडल लाइट्स हैं यहाँ पे, लेकिन नॉर्मल पडल लाइट से कोई लोगो नहीं बन के आता है मर्सिडीज़ का, वाइट कलर का नॉर्मल पडल लाइट है। और आपको मिलता है सॉफ्ट क्लोज डोर्स, तो आप अगर दरवाज़ा ऐसे छोड़ भी दें तो ये अपने आप बंद हो जाता है दरवाज़ा। ये चारों दरवाज़ों में प्रेजेंट है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि दरवाज़ा हल्के से बंद करते हैं तो वो खुला रह जाता है, तो वो इसमें होने के चांसेस नहीं है। ओवरऑल बॉडी लाइंस आप देखें कि फ्रंट से लेकर टेल लाइट तक पूरा रन कर रहे हैं बॉडी लाइंस। और इसको ये बहुत ही खूबसूरत 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये 5 स्पोक अलॉय व्हील्स जो कि पिरली टायर पर रन करते हैं। ग्रिप्स काफ़ी अच्छी है। आई मीन दोस्तों, इस गाड़ी को आप अगर साइड से देखिए कितनी अच्छी लगती है। और इसको एक फुल पैनोरामिक सनरूफ मिलता है ऊपर जो कि ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, तो ये ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये है इंजन E220D का, और ये एक BS6 कंप्लायंट इंजन है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये वही सेम इंजन है जो BS4 वेरिएंट में था। ये एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 194 BHP और 400 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक इंजन साइज़ के हिसाब से। बट ऑन द फ्लिप साइड दोस्तों, हुआ ये है कि परफॉर्मेंस में ये इंजन थोड़ा सा गिर गया है। 0 to 100 की स्प्रिंट थी उसमें, ये 1 सेकेंड स्लोअर है BS4 वेरिएंट से। और ओवरऑल गाइस, जो प्लस पॉइंट है इस इंजन का वो है, अब ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और ज़्यादा क्वाइट हो गया है, शांत हो गया है, और पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ और लीनियर तरीके से देता है ये, तो कि एक बहुत ही लग्जूरियस राइड आपको मिलती है अंदर गाड़ी के। उसके बारे में आपको और बताऊंगा जब मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो अभी के लिए दोस्तों, ये है इंजन E220D का, ये एक BS6 वेरिएंट है, और इंजन काफ़ी स्मूथ है, और मेरे को तो काफ़ी पसंद आया है इंजन। तो आइए अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है गाड़ी का रियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिलता है फुल LED टेल लैंप यूनिट जो कि काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें यहाँ पे ऐसे लाइट्स जलते हैं तो रात को बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से आपको बहुत सारा क्रोम मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम की स्ट्रैप पूरी रन कर रही है यहाँ पे। फिर आपको E220D का लोगो, मर्सिडीज़ लोगो, फिर आपको यहाँ भी नीचे बहुत सारा क्रोम, एग्जॉस्ट के चारों तरफ क्रोम मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 एग्जॉस्ट देख रहे हैं, ये दूसरा वाला फेक है, एग्जॉस्ट सिर्फ एक यहाँ पर है, वो लुक्स के लिए है, काफ़ी अच्छा लगता है। आपको रेयर पार्किंग कैमरा अलॉन्ग विथ सेंसर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी एक्यूरेट हैं। अब हम रेयर की बात कर रहे हैं तो बूट की भी बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मिलता है 540 लीटर का बूट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्पेस सेवर टायर इसके ऊपर ही दिया गया है, तो यहाँ पे आपको उतना सामान आप नहीं रख सकते हैं। अगर आप 4 लोग जा रहे हैं और ये आप निकाल के रख देते हैं तो काफ़ी जगह है बूट में सामान रखने की। एक चीज़ जो मेरे को पसंद नहीं आया वो है इसको इलेक्ट्रॉनिक बूट शट नहीं दिया गया, आपको मैनुअली बूट शट करना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी आसान है क्योंकि इसका जो बूट लिड है वो काफ़ी लाइट है। ओवरऑल दोस्तों, पीछे से भी गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कैबिन में, जो कि ड्राइवर सीट है E220D का। और सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिंस एक लग्जरी कार है, आप देख ही सकते हैं कितना स्पेस है, सब कुछ
फिट एंड फिनिश तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देख सकते हैं वुडन एक्सेंट्स आपको चारों तरफ मिलेंगे, दरवाजे से चालू होता है, डैशबोर्ड से पूरा, और ये फ्लोटिंग डैश भी पूरा वुड, मतलब पूरा वुड एक्सेंट्स है इसमें। और नई चीज़ जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि यहाँ पे है, सो ये अब फुली डिजिटल है, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलते हैं इसमें, आप कई तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, इसके ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये टच स्क्रीन नहीं है, बट ये फ्लोटिंग डैश है जो कि बहुत अच्छा लगता है रात को, वो एम्बियंट लाइटिंग वगैरह मिलती है यहाँ पे, एम्बियंट लाइटिंग के बारे में आपको और बताऊंगा। ऊपर से दोस्तों आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आपको यहाँ पे टच पैड मिलते हैं जो कि आपको याद होगा, अगर आप ब्लैकबेरी यूज़ करते होंगे तो एग्जैक्टली उस टाइप के टच पैड्स मिलते हैं आपको। प्लस आपको यहाँ पे सीट कंट्रोल्स मिल जाएंगे ड्राइवर के लिए, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट मेमोरी नहीं ऑप्शन है जो कि पीछे है, बाकी सब जो लाइट कंट्रोल यहाँ पे है, ORVM कंट्रोल्स वहाँ पे है, और AC वेंट्स जो है इस गाड़ी में दोस्तों आगे छः छः AC वेंट्स है, बीच में चार है, साइड में दो हैं, यूजली चार होते हैं, बीच में दो और साइड में दो ऐसे, तो इसमें इतना बड़ा कैबिन है, कैबिन को ठंडा करने के लिए भी थोड़ा सा मतलब हवा चाहिए होगा, तो इसलिए यहाँ पे चारों काफ़ी अच्छा लगता है। अब एल्यूमिनियम और सिल्वर एक्सेंट्स चारों तरफ प्रेजेंट है, इसे सॉफ्ट टच लेदर हर जगह मौजूद है दोस्तों, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है मेरे को तो यहाँ पे। मतलब ये ड्राइवर बेसिकली ये पीछे बैठने वाली गाड़ी है, जहाँ पीछे बैठे हैं आपको शॉफर चला के लेके जा रहा हो, बट ओवरऑल दोस्तों इसका फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो है ये वाइपर या फिर हाई बीम लो बीम के लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इसका गियर लीवर यहाँ नहीं है, मर्सिडीज बेंज का गियर लीवर यहाँ पे होता है, तो यहीं से आप ये ऊपर रिवर्स, नीचे न्यूट्रल और नीचे करेंगे ड्राइव और बीच में दबाएंगे तो पार्क हो जाएगी गाड़ी। तो जी हाँ दोस्तों, ये था इसका फ्रंट का कैबिन, और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, लग्जरियस है, सब चीज़ें फिट एंड फिनिश परफेक्ट है। अब आइए चलते हैं पीछे जहाँ एग्जैक्टली एक जन को बैठना चाहिए अगर वो ये गाड़ी ले रहा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेयर सीट पे, और लॉन्ग व्हील बेस होने का फ़ायदा आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लेग रूम और नी रूम अवेलेबल है, प्लस ये जो सीट है ये यहाँ पे सीट कंट्रोल्स हैं, आप रिक्लाइन कर सकते हैं अगर आप लेटे हैं और आपको रिक्लाइन करना है, तो ये सीट 37 डिग्रीज तक की रिक्लाइन हो जाती है पीछे, और आपको एक मेमोरी फोम टाइप का दिया है सॉफ्ट कुशन, जिसमें जिससे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको आपकी हाइट के हिसाब से, और वो आपको एक बहुत ही लग्जरियस राइड देगी, आप सो भी सकते हैं आराम से। अब आइए चलिए आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे इसको मिलता है एक बर्मिस्टर ऑडियो सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छा है, और सीट कंट्रोल्स है, मेमोरी सेटिंग्स है, आगे नहीं है बल्कि पीछे दिए गए हैं सीट मेमोरी, और आप यहाँ से सनरूफ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लाइंडर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये पैनोरामिक सनरूफ। आपको यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिलता है जिसमें आप अगर उतरने से पहले आप अपना मेकअप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस साइड पर, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है जब आप लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट आप शिफ्ट होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये रेयर व्हील ड्राइवर इसका ट्रांसमिशन टनल ठीक यहाँ से रन कर रहा है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊंचा है, तो फिलहाल इसको मिलता है एक 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे AC वेंट्स है, और बी पिलर में भी AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्परेचर। ऑब्वियसली इसका मेन हाईलाइट ये देखिए आप, तो इसको आप जब नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ पीछे की तरफ, और यहाँ पे आपको मिलता है ये एक टच स्क्रीन जो कि अंदर ही रहता है, टैबलेट टाइप का है बट ये निकलता नहीं है बाहर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, आप चीज़ें बंद कर सकते हैं, सनरूफ खोल सकते हैं, ब्लाइंडर्स खोल सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स हैं, और जो एम्बिएंट लाइट के बारे में आपको बता रहा था दोस्तों, इसमें है 64 कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग में, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, उसका ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं आप। ओवरऑल दोस्तों अगर आप ये गाड़ी लेके कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो ये गाड़ी खरीदेगा वो एक शॉफर या ड्राइवर रखेगा उसके लिए जो भी खरीद रहा है, और पीछे ही बैठ के फुल मज़े लेगा इस गाड़ी के। तो जैसे कि मैं बोल रहा था दोस्तों, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और मतलब पीछे की सीट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, इट इज़ सो कंफर्टेबल एंड सो लग्जरियस, स्पेशली ये पैनोरामिक सनरूफ जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरी बना देता है कैबिन को, तो जो दोस्तों पीछे की सीट तो आप देख ही सकते हैं, बस आप बस लेट जाइए और सो जाइए इसमें, बहुत अच्छी है, बिग थम्स अप फ्रॉम माई एंड। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वापस से ड्राइविंग सीट पे E220D के, और अब जल्दी से हम लोग सीट बेल्ट पहन लेते हैं। सीट बेल्ट के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इसको स्ट्रैप करते हैं तो आप ये नोटिस कर सकते हैं अपने आप टाइट होता है, तो ये ऑटोमेटिक ये सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स है। अब क्विकली गियर में डालते हैं और गाड़ी को चलाते हैं, तो इसका जो गियर शिफ्टर है वो यूजुअली यहाँ पे होता है, आपने देखा होगा इस जगह पर होता है कन्वेंशनल गियर शिफ्टर, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसको यहाँ पे दिया गया जहाँ पे यूजुअली वाइपर या लाइट की जो टॉगल स्विच होता है वहाँ पे गियर दिया गया, तो इसको नीचे करते हैं और चलिए चलते हैं एक छोटे से ड्राइव पे।
सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो कि 194 bhp और 400 nm ऑफ टॉर्क निकालता है, जो कि काफ़ी पावर है इस गाड़ी के लिए। ये एक BS6 वेरिएंट है जैसे कि मैंने आपको बोला, तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है इसके BS4 वेरिएंट से। BS4 वाला जो E220D है वो करीब 9.5 सेकेंड लेता था 0 to 100 क्लॉक करने में। परफॉर्मेंस ड्रॉप होने का कारण ये है कि दोस्तों इसकी जो पावर डिलीवरी और लीनर होगी, गाड़ी स्मूथ हो गई और अच्छी हो गई है, मतलब इतना साइलेंट हो गया है गाड़ी। ये BS6 वेरिएंट आज के BS4 फ्यूल पे जो है, पेट्रोल और डीजल है उस पे, मतलब डीजल BS4 जो है उस पे ये BS6 परफॉर्म कर रहा है। मतलब अभी अप्रैल 2020 तक BS6 का वो दिया गया है इनको, सब मैन्युफैक्चरर्स को, कि BS6 वेरिएंट कर दी जाए सारी गाड़ियों और जो भी हैं व्हीकल्स। तो अभी से मर्सिडीज़ ने ये निकाल दिया और ये काफ़ी स्मूथ है दोस्तों गाड़ी, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ है। इसका ये जो 9-speed जीट्रॉनिक गियरबॉक्स है, कब शिफ्ट हो जाती है गाड़ी आप पता भी नहीं कर पाओगे कि गाड़ी कब शिफ्ट कर रही है। अब इसमें 4 मोड हैं, पहला तो इको, उसके बाद कंफर्ट, उसके बाद स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस। सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी इको में होती है, तो आप इसको इको में लगाइए और एक लाइट फुट रखिए। आपको सिटी में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सिटी में हम लोगों को मिला है 13.2 या 13.3 का एवरेज सिटी में, और हाईवे पे हम लोग जब ये गए थे लेके, हमने करीब 200-300 किलोमीटर इसको हाईवे पे भी चलाई, तो वहाँ पे हम लोगों को कुछ 17.5 के आसपास का एवरेज मिला था, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक फुल टैंक पे 900 किलोमीटर के ऊपर चल सकती है अगर आप इको में लाइट फुट रखें, हल्के फुट पर आप चलाएँ। और इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है दोस्तों इतनी अच्छी है ना, सबसे पहली बात तो जो ये गाड़ी खरीदेगा वो पीछे बैठेगा, ऑब्वियसली एक ड्राइवर या शॉफर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये गाड़ी चलाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी बुरी नहीं, ऑब्वियसली बुरी क्यों होगी, बट ऑब्वियसली पीछे वाली सीट, ये E220D का जो है वो मतलब खास जगह है पीछे, इसकी पीछे बैठ के जाने के लिए। लेकिन इसकी ड्राइविंग सीट बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, और आप पूरी सीट जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो टॉगल स्विचेस है, यहाँ से पूरी सीट आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ से ही आप लेफ्ट वाली सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ड्राइवर क्या है, अगर पीछे कोई बैठा है और बोलता है कि सीट थोड़ी आगे कर दो, तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उधर जाने के लिए, यहीं से आप बैठे बैठे लेफ्ट वाली सीट भी आप आगे पीछे कर सकते हो। उसकी पूरी फंक्शनिंग जो है जैसे आपकी सीट की है वैसी की वैसी हो जाएगी। और इसमें अनफॉर्चुनेटली मेमोरी नहीं दिया गया है ड्राइवर के लिए, तो वो एक मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो मेमोरी फंक्शन जो है वो ना ड्राइवर के लिए दिया है ना को पैसेंजर के लिए दिया गया है, पीछे जो लोग बैठे उनके लिए मेमोरी दी गई है। तो अब इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दोस्तों इसका काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें अडेप्टिव एयर सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल स्प्रिंग सस्पेंशन है। बट जो सेटअप है वो थोड़ा अलग है आगे और पीछे का, आगे का थोड़ा सा हार्ड है और पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, ताकि जो पीछे जो लोग बैठ रहे हैं उनको बहुत ही कम्फर्ट, एक बहुत ही कम्फर्टेबल राइड मिलती है वहाँ जब पीछे बैठते हैं। और दोस्तों मतलब सही में ये गाड़ी एकदम ग्लाइड करती है। अब हाईवे पे अगर आप 100 पे ले जाके इसको छोड़ देंगे, इसका जो एक्सेलेटर है आप उठा देंगे उस पे से फुट, तो सामने जो स्क्रीन है यहाँ पे लिख के आता है ग्लाइडिंग मोड। अब वो कोई मोड नहीं है, लेकिन उसमें होता ये है कि आपने कोई थ्रॉटल रिस्पांस नहीं दे रहे, फिर भी गाड़ी धीरे धीरे ग्लाइड करती जा रही है, हल्के हल्के से तो इसका स्पीड कम होता जाएगा, तो वहाँ पे लिख के आता है ग्लाइडिंग मोड। उसमें और भी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल आप बचा लेते हो उसमें। तो सस्पेंशन दोस्तों पता ही नहीं चलते इसमें, मतलब गड्ढे हमारे यहाँ ऑब्वियसली शहर में गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, रोड टूटी हुई है, लेकिन इस गाड़ी में NVH लेवल इतना अच्छा है पता नहीं चलता है। प्लस मतलब मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मैं ये पिछले 3-4 दिन से चला रहा हूं शहर में, और इतना कंफर्टेबल राइड, बल्कि मेरे को पीछे बैठना चाहिए, कोई है नहीं चलाने के लिए मेरे को, बट मैं आगे भी बैठ के इतना बोल सकता हूं। स्टीयरिंग भी इतना ऑसम है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इतना ऑसम है, सब कुछ दोस्तों बेतरफ से बहुत बड़ा थम्स अप है। ये जो E220D जो BS6 वेरियंट है, ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है, पावर डिलीवरी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी लीनियर है, और बाकी हर एक चीज़ दोस्तों इस गाड़ी के बारे में मतलब बहुत ही ऑसम है। और मतलब क्या बोलूँ, मैं चला के बहुत ही, मेरे को खुशी हो रही है क्योंकि ये इतनी स्मूथ गाड़ी, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है गियर कब बदल जा रहे हैं इस गाड़ी के। तो दोस्तों मतलब मेरी तरफ से तो काफ़ी बड़ा थम्स अप है इस गाड़ी को। और जो BS4 वेरिएंट है वो भी ख़राब नहीं है, ऑब्वियसली क्यों ख़राब होगी, बट इसमें कुछ अलग बात है जो कि ये BS6 है, और मतलब कुछ खास है, बहुत ही स्मूथ है गाड़ी ये वाली।
तो दोस्तों ये थी मर्सिडीज बेंज की E220D, ये BS6 वेरिएंट है और ये एक प्राइस टैग कैरी करती है 62 लाख रुपए एक्स शोरूम का। आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है इस गाड़ी के बारे में आपको। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रमित साइन आउट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।